नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा के प्रकाश चौराहे के पास अवैध रूप से जमीन कब्जा करके एक व्यक्ति ने सर्विसिंग सेंटर खुलवा दिया। हर महीने वसूल रहा था 10,000। नगर निगम की टीम को अतिक्रमण की शिकायत मिली। जब वो मौके पर पहुंची तो ये राज खुला। शहर के सबसे व्यस्ततम चौराहे प्रकाश चौराहे के पास अवैध रूप से दुकान खुलवाकर 10,000 महीना अवैध रूप से वसूला जा रहा था। नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची तो हुआ खुलासा। रीवा शहर के प्रकाश चौराहे के पास स्वागत भवन के पीछे खाली जमीन पड़ी है। यहां पर अवैध रूप से कब्जा करवा दिया गया था कोई सगीर नाम के व्यक्ति के द्वारा। यहां पर सर्विसिंग सेंटर बाकायदा खुलवा दिया गया और 10,000 रुपये हर महीने वसूले जा रहे थे, ऐसा आरोप लगाया जिस व्यक्ति को आज नगर निगम के अतिक्रमणकारी दस्ते ने वहां से उसकी मशीन जब्त की। उसको वहां से जब हटा रहे थे तब उक्त अतिक्रमण पर नगर निगम की नज़र पड़ी तो अमला आज पहुंच गया। अतिक्रमण को ध्वस्त करते हुए लगी मशीनों को जब्त कर लिया। दुकान संचालक ने बताया विगत 1.5 साल से सगीर नाम के व्यक्ति के द्वारा 10,000 रुपये हर महीने लिए जा रहे थे और उसे सर्विसिंग सेंटर संचालित करने की छूट दी थी। अब फोन में बात करने पर उससे संपर्क नहीं हो पा रहा, वह कह रहा मैं बाहर हूँ। यह जमीन पिछले कई महीने से विवादित है। नगर निगम कह रहा है हमारी जमीन है। वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज का संगठन कह रहा है हमारी जमीन, जिसको लेकर विवाद काफी दिनों से है। मामला कोर्ट में है। अभी पिछले दिनों यहीं पर बने स्कूल का भी अवैध कब्जे को लेकर एक मामला सामने आया था, जिसमें एक दुकानदार ने इसी तरीके से पैसे देकर कब्जा कर लिया था। प्रशासन ने खड़े होकर अवैध कब्जाधारी को वहां से हटाया। नगर निगम की टीम को कई दिनों से जानकारी मिल रही थी यहां पर कुछ लोग अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं, जिसके चलते आज दोपहर नगर निगम का अतिक्रमणकारी दस्ता यहां पर पहुंचा। उसने देखा यहां पर कई लोग अवैध रूप से निर्माण भी कर रहे हैं। निर्माण पर रोक लगाई गई। वहां पर जो भी कब्जाधारी थे उनको वहां से अवैध रूप से उनको वहां से हटाने का काम जब नगर निगम ने प्रारंभ किया तो सर्विसिंग सेंटर वाले ने क्या कुछ बताया आप सुनकर चौंक पड़ेंगे। सर्विसिंग सेंटर खोलकर चला रहे दुकानदार ने हमें बताया ये जमीन में वह हर महीना 10,000 रुपए किसी सगीर नाम व्यक्ति को दे रहा है। दुकानदार की दुकान हटाने नगर निगम का अमला जब पहुंचा तब दुकान चला रहे व्यक्ति ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मोहम्मद सबीक अंसारी, क्या मामला है आपकी दुकान का? यहाँ ये सगीर भाई आज 1.5 साल से हमसे 10,000 रुपए मंथली हर मंथली ले रहे हैं पेमेंट, और अवैध ले रहे हैं क्योंकि जब यहाँ उन्होंने सर्विसिंग का सेंटर डाला था हमने ले लिया, तो उन्होंने मतलब हमको रसीद नहीं दी ना ही कोई कागज़ दिया, सिर्फ हमसे किराया हर मंथली वो 10,000 रुपये ले रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि यदि सगीर भाई नहीं वो कर पा रहे तो हमारा पेमेंट हमको वापस करवा दे, हमें इंसाफ दिला दे। हम सगीर भाई के कहने पर ये ज़मीन वक्फ बोर्ड और नगर निगम उसमें चल रही है अभी। जी हाँ, किराए के तौर पर हमसे ले रहे हैं। जबरदस्ती का मतलब ये है कि जो ना कि उनके पट्टे की ज़मीन है ना ही उनकी वो है, ना हमसे कोई लिखा पढ़ी कर रहे हैं, वो हमसे सिर्फ हर मंथ 10,000 रुपये ले रहे थे। हम 1.5 साल हो रहे हैं। जी हाँ, दे रहे हैं न्यू सगीर भाई के कहने पर। सगीर भाई बोले कि हमसे हमको हर मंथ 10,000 रुपये देते रहिए, अपना काम करते रहिए। अब वो अभी फ़ोन लगाए उनको तो फ़ोन उठाए हैं तो बोले कि हम बाहर, हमसे बोले कि आप आइए, नगर निगम मशीन ले जा रही है और गोमती ले जा रही है, उसके बाद बोले कि आप अपना बात करो जो करना हो, वो सामने नहीं आ रहे हैं। हाँ, इसकी शिकायत आपने कहीं की है? अभी नहीं की, मगर आज ज़रूर हम प्रशासन से करना चाहेंगे शिकायत। कमेटी वगैरह? कमेटी से करेंगे, प्रशासन से भी करेंगे। मोहम्मद सबीक अंसारी। कितनी दुकानें हैं आप जैसे लगभग? यहाँ तो दुकान काफ़ी है, हालांकि अभी तो और आगे की जानकारी नहीं, मगर हमें अपनी जानकारी है। आप ही बस से लेते हैं तो और दुकानों से लेते हैं? नहीं, हमसे ही ले रहे हैं यहाँ, जो उन्होंने कब्जा कर और दुकानदारों से नहीं ले रहे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए।
और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।